हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? और भाई, स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी पंच, जो कि अभी 500 किलोमीटर चल चुकी है। तो अभी मैं JNPT रोड पे हूँ, जो मुंबई की है। मैंने पाम बीच रोड एग्जिट किया था, मैं यहाँ वीडियो बनाने ही आया था। तो इस वीडियो में भाई मैं बात करने वाला हूँ अपनी टाटा पंच, ये जो एडवेंचर मैनुअल ट्रांसमिशन है, रिदम नहीं है, आप देख सकते हो। तो इसके बारे में बात करूँगा, कुछ ड्राइविंग रिलेटेड, कैसी इसकी ओवरऑल मुझे लगी है ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड ऑल, सभी कुछ आपको बताने वाला हूँ। एंड कुछ ऊपर नीचे की चीज़ें जो मुझे थोड़ी ऑन द माइनस साइड लगी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। डिक्की से रिलेटेड एक बात मुझे आपको बोलनी थी, वो चीज़ भी देख लेंगे। तो देखो भाई, बहुत लोगों के मुझे सवाल जवाब आ रहे थे कि भाई आप ड्राइव वाला वीडियो बनाओ, ऐसा कुछ। अभी देखो, गाड़ी है ना, मैं पांचवे गियर में और मेरी जो स्पीड है वो अराउंड 55 है। तो जैसे ही मैं एक्सेलेटर पे पैर रखूंगा ना, एक तो सबसे बढ़िया बात पता है क्या, गाड़ी में लैग नहीं है, गाड़ी तुरंत रिस्पॉन्स करती है। अभी मैं लोअर गियर में था, स्पीड भी कम थी उस हिसाब से, बट एज सच कोई लैग नहीं है। गाड़ी करेगी, अगर आपको भगानी है आप भगा सकते हो, ऐसा कोई आपको दिक्कत आने नहीं वाली। विजिबिलिटी की बात करूँ तो देखो भाई, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है गाड़ी में, ठीक है। अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे बॉनेट लाइन दिख जाएगी। बस एक चीज़ है, ये जो ए पिलर है ना, ये कुछ मुझे मोटा मोटा फील हो रहा है, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद गाड़ी चला रहा हूँ, इस वजह से भी हो सकता है। तो मुझे ऐसे करके थोड़ा देखना पड़ता है जब बात ब्लाइंड स्पॉट की आती है। तो ये रोड पे देखो, चलाने का ये था कि थोड़ी खाली रहती है, वीडियो आराम से बना सकता हूँ, रादर देन सिटी में। अब मुंबई में तो यार ट्रैफिक इतना होता है। उसके बाद अगर मैं एर्गोनॉमिक्स की बात करूँ ना भाई, देखो एर्गोनॉमिक वाइज हर बटन रीच में है मेरे, यहाँ पर हर एक रीच में है। मैं अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से ही बैठा हूँ, कोई मुझे दिक्कत ऐसा चाह नहीं रही। अब क्या है कि एर्गोनॉमिक्स कोई दिक्कत नहीं है, सीट भी कंफर्टेबल है। मैं सीट से रिगार्डिंग तो देखो अपनी कोई शिकायत है नहीं इस गाड़ी में आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हॉर्न के रिगार्डिंग, अब जैसे आप जब ये गाड़ी चलाओगे ना, तो यार देखो इसका हॉर्न है ना, इस यहाँ से भी दब जाता है, पर ये वाला काफ़ी हार्ड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दबाओगे आपका हॉर्न, या तो यहाँ से दबेगा या तो इस साइड से। तो हिसाब कुछ ऐसा है कि चलो इस साइड से तो दब जाएगा, बट जब इस साइड पे आओगे ना, तो कभी कभार क्या होता है ना, मेरे से ये बटन दब जाते हैं हॉर्न के। तो आपको है ना उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसी पार्ट में ऐसे दबाओ, इस वाले हिस्से में तो आप कहीं भी दबा लो, बट इधर क्या होता है कि आपको है ना ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ये बटन ना दब जाए, वो सब को लेके। अब उसके अलावा देखो भाई, ब्रेकिंग, मुझे भाई ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत पसंद आई है। टाटा की ब्रेकिंग्स हैं अच्छी, वो तो बात माननी पड़ेगी। सस्पेंशन इतने अच्छे हैं, बिल्कुल भी एज सच कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। मैं ब्रेकिंग कर चुका हूँ अच्छी खासी, और गाड़ी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो भाई अभी अपन ब्रेकिंग टेस्ट देखेंगे इसका, ठीक है। अब गाड़ी को अपन 100 पे ले जाएंगे, 100 पे क्या 80 तक तो ले ही जाते हैं, और फिर मैं आपको ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ। बस पीछे से कोई आ ना रहा हो। यस, ये गई गाड़ी, अभी अपन ब्रेकिंग करते हैं। ये देखो, भाई तुरंत गाड़ी जगह पे एकदम खड़ी की खड़ी, समझ रहे हो, ब्रेकिंग है इसकी लाजवाब। बाकी इसमें नीचे एक इको मोड भी दिया गया है, हालांकि आप इको मोड है ना सिटी में ही यूज़ करो, वो 80-90 की स्पीड पे जाओगे ना तब इको मोड इतना मत यूज़ करो, गुड, वो इंजन के लिए भी ठीक नहीं है। एंड जो भाई इसके स्पीकर्स हैं वो डिसेंट हैं, इतने भी कोई ज़्यादा ये अच्छे स्पीकर नहीं है। वो तो मैं कह रहा एक प्रॉपर म्यूज़िक अपना सिस्टम रिव्यू जो मैं करता हूँ वो लाऊंगा इस गाड़ी पे। बाकी फीचर्स तो सारे मिल ही रहे हैं आपके, ये जो इंफोटेनमेंट की जो स्क्रीन है आपको दी है छोटी सी, बट अगर आप शौकीन हो, अगर आपको हाँ वो अपना स्क्रीन टाइप हो, काम तो इसमें भी सब हो जाएगा भाई, बट अगर आप शौकीन हो, स्क्रीन चाहिए, एंड्रॉयड जो प्लेयर आते हैं मार्केट में हाइपर सोनिक या वैसे सब, वो लगवाना है आप वो लगवा लो, वो भी ज़्यादा बेटर पड़ेगा आपको, समझ रहे हो। अब गाड़ी बहुत हैवी है, अगर आप ये जो वैगनार स्विफ्ट इनसे कंपेयर करोगे, भाई गाड़ी का वजन अच्छा खासा है, भर भर के टाटा ने इसमें लोहा डाला है। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी रोल में कोई दिक्कत आ रही है, सच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आगे थोड़ी स्पीड पकड़ने की अपन कोशिश करेंगे टर्न पे, वो मैं आपको चीज़ दिखा दूंगा। उसके बाद भाई देखो, अगर मैं माइलेज की बात करूँ ना, तो माइलेज के रिगार्डिंग तो देखो अभी मैंने सिटी में ही चलाई है, 11.5 का अभी MID में दिखा रहा है, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा है 30 की,
समझ रहे हो, तो हाईवे पे इतना कभी जाना हुआ ही नहीं, तो धीरे धीरे वो माइलेज आएगा। और सबसे सही बात पता है क्या है, इधर गियर इंडिकेटर दिखा रहा है, अभी गाड़ी देखो चौथे गियर में चल रही है, स्पीड देखो क्या है। अब इसमें शिफ्ट इंडिकेटर भी आता है, तो अकॉर्डिंगली अगर मैं उसकी स्पीड बढ़ाऊं, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे बताएगा कि ऊपर गियर शिफ्ट कर लो। तो ऐसे भाई आपको यू नो एक बेटर माइलेज मिल जाएगा, वो आपको गाइड कर रहा है उस तरीके से, तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा अगर आप ये स्टेयरिंग व्हील को सामने से देखते हो ना, तो ये वाइपर का जो कंट्रोल है, ये वाला, ये प्रॉपर अलाइंड है, पर ये हेडलाइट वाला जो कंट्रोल है ना, ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, तो कैसा है ना, इसको थोड़ा नीचे रखना था इसी के हिसाब से। वो ऊपर है ना, तो चलाने में थोड़ा ऐसा वियर्ड सा फील होता है। उसके अलावा तो देखो आपको गाड़ी में जो आपका लेन चेंज इंडिकेटर है, इसमें 6 बार आता है, ठीक है, कुछ कुछ मारुति की गाड़ियों में 3 बार आता है या ऐसा कुछ है, बट इसमें 6 बार आपको मिल जाता है वो चीज़। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है आपको जो लेन चेंज इंडिकेटर आप यूज़ करते हो। भाई पिकअप में ऐसा कोई लैग नहीं है, ठीक है। अगर मैं गाड़ी कुछ साइड में रुका के आपको बताऊं एक चीज़, एक बार है ना मैं ब्रिज उतर जाता हूं, फिर मैं आपको इसका पिकअप दिखाता हूं, ठीक है। अभी ये देखो अपन इधर यहाँ पे साइड में लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पत्थर, बाजू में रोड़ी सी पड़ी है, गाड़ी ऑब्वियसली स्पिन होगी, तो अभी अपन फर्स्ट गियर में डाल रहे हैं, ठीक है। ये देखो गाड़ी पूरी इनिशियली मैंने रुका दी है, यस, अब बढ़ाते हैं। तो ये 0 to 100 कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो 80 की स्पीड पे एक बीप आया होगा, तो उसमें क्या है, स्पीड लिमिट आ जाती है। ये देखो ऐसे गड्ढे भी आते हैं भाई, एकदम रोड है ना पकड़ के चलती है, कहाँ आ रहा है ये ट्रक वाला क्या मालूम, बट एकदम है ना गाड़ी पकड़ के चलती है रोड को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बॉडी रोल है, एकदम स्टेबिलिटी तो भाई है गाड़ी में, एक लाजवाब स्टेबिलिटी है। अब देखो गाड़ी फोर्थ गियर में मैंने जैसे ही पंजा दबाया ना, तुरंत स्पीड पकड़ेगी और वो 100 जाएगी। ये देखो मैं फोर्थ में ही हूँ, अब अपन फिफ्थ में लाएंगे इसको, ये देखो। तो मतलब एज सच कोई इसमें ये नहीं है कि आपको पावर लैग फील होगा, 1.2 लीटर इंजन दिया है, 83 PS और कुछ 113 या 114 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क दे रखा है, तो आपको ऐसे कुछ अंडर पावर्ड नहीं भाई है, इंस्टेंटली आपको वो फीडबैक आएगा। अब आप घाट पे जाओगे, वो चीज़ मैं आपको बाद में कभी अपडेट करूंगा वीडियो बना के कि ये गाड़ी क्या घाट पे अंडर पावर्ड फील होती है या नहीं, ऐसा कुछ, तो वो चीज़ अपन देख लेंगे। गाड़ी का ठीक है, म्यूजिक सिस्टम अपना ये वाला अपन बाद में अपग्रेड करेंगे जैसे जैसे अपना बजट बैठेगा। अच्छा बड़ा डैशबोर्ड है, विजिबिलिटी में भी एज सच कोई दिक्कत नहीं है, एंड नॉइज और वाइब्रेशंस के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूँ ना, तो यार मुझे है ना आपको एक चीज बतानी है, उसके लिए मुझे गाड़ी है ना साइड में रुकानी पड़ेगी। आप ये चीज को है ना ध्यान से सुनना, ठीक है। ये मैं गाड़ी साइड में लगा देता हूँ, ये अपन ने लगा दी। अब देखो इसमें चलने के टाइम है ना कोई एज सच वाइब्रेशन आपको फील नहीं होने वाली। मेरे कहने का मतलब है कुछ अलग से स्टेयरिंग में वाइब्रेशंस आ रही हैं या कुछ, नॉइज भी अच्छी खासी इंसुलेशन दी है, डोर भी काफी अच्छे हैवी हैं, उसके रिगार्डिंग कोई दिक्कत नहीं। अब यार ये देखो हैंडल का तो प्रॉब्लम सभी बोलते हैं, ये लॉक कर दिया मैंने फिर भी बच्चा वहां से खोल सकता है, समझ रहे हो। उसके अलावा इसका है ना हॉर्न यार अजीब सा बजता है, ऐसा लगता है वो जो हॉर्न है ना किसी भी फाइबर पार्ट को या अंदर कोई पार्ट है उसको टच हो रहा है। हॉर्न तो बज रहा है पर एक अलग सी वाइब्रेशन भी उसके साथ आती है हॉर्न के साथ, ये देखो वो एक अलग सी वाइब्रेशन आ रही है, मुझे वो चेक कराना पड़ेगा कि मतलब क्या हो क्या रहा है उसमें, ये एक चीज है। एंड दूसरी चीज अगर मैं बताऊं ना, तो मुझे नहीं पता कितने पंच ओनर्स ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बट मैंने अभी ये चीज एक्सपीरियंस की है कि अगर मैं इसका जो अपना ये है गियर मैं फर्स्ट गियर में डालूं कोई दिक्कत नहीं, चौथे में भी कोई दिक्कत नहीं, जितने भी सीधे गियर हैं और इस साइड के गियर हैं कोई दिक्कत नहीं, बट इस साइड पर डाल दो एक अजीब सी आवाज आती है। आप ध्यान से सुनो इसको, डल तो ये जाएगा, रिवर्स डाल दिया अपन ने, ये फिफ्थ डाल दिया, बट यहां पे देखो कुछ आवाज नहीं आएगी, ठीक है, इधर देखना। तो ये मुझे
बस अच्छी नहीं लग रही आवाज, गियर शिफ्टिंग स्मूथ है, एज सच आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। और डिक्की से रिगार्डिंग है ना, मुझे एक बात बतानी थी आपको कि बहुत लोग है ना ये चीज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मैंने बहुत जगह बहुत सी वीडियो में कमेंट में भी पढ़ा कि टाटा पंच की है ना डिक्की बंद नहीं होती, और ये मैं जानता हूँ ये चीज है टाटा पंच में। इसका डिक्की का क्या हिसाब है ना, ये देखो ये जो इसकी डिक्की है, अब मैं जब रिव्यू करता था ना पहले, तो ये डिक्की है ना ऐसे बंद नहीं होती थी, बट जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे ना वो एक बार में बंद होना शुरू हो जाएगी। नई नई गाड़ियां जो ले रहे हैं ना उनकी डिक्की बंद ही नहीं हो रही थी, ये प्रॉब्लम आ रही है। बट अपनी कैसा है ना, पहले मेरी भी नहीं हो रही थी, जोर से ऐसे बंद करना पड़ता था, बट अभी कैसा है ना मैं ऐसे भी कर दूँ ना यहाँ पे, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, बट वो बंद हो रही है अभी। और ये पता है क्यों हो रहा है, ये हो रहा है इन रबड़ की वजह से, ये जो पार्सल ट्रिप है इन लोगों ने रबड़ दिए ना, ये इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ टाइम लेगी सेटल होने में, बाद में आपकी डिक्की भी बंद होने लगेगी। ये कुछ टाटा ने अपना टिश्यू पेपर बॉक्स दिया था उसमें है, अभी अपन इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो मैंने डिक्की नॉर्मली बंद की है और वो बंद हो भी गई। यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिखा रहा कि डिक्की आपकी खुली है या ऐसा ऐसा कुछ है। तो भाई देखो ड्राइविंग के मामले में इस गाड़ी में है ना कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अंडर पावर्ड आपको फील नहीं होगा। इस गाड़ी की ब्रेकिंग भी अच्छी है, एक्सेलरेशन अच्छी है जब आप इसको सिटी और हाईवे पे यूज़ करोगे। पहाड़ों का घाट का अभी तक मुझे कुछ सीन पता नहीं इसका इतना डिटेल में। उसके अलावा तो देखो वाइब्रेशंस का मैंने बताया, वो हॉर्न का, अब हो सकता है मेरी गाड़ी में ये दिक्कत हो, बट ये चीज़ का एक है। देन और हाँ भाई, कुछ लोग है ना जानना चाह रहे थे कि क्या ये गाड़ी की सीट पीछे वाली कंफर्टेबल है कि नहीं। अब ये देखो ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन है, ये वाली है कि नहीं, मैं अपने हिसाब से चलाता हूँ। अब मेरी हाइट है 5'8", अब मैं आपको पीछे बैठ के दिखाता हूँ कि अगर सेम मेरी हाइट का कोई बंदा अगर इस गाड़ी में पीछे बैठे तो ये देखो क्या हिसाब है। ये देखो भाई, इसको कर लेते बंद। तो ये देखो भाई, एक अच्छा नी रूम, अच्छा अंडर थाई सपोर्ट, पैर भी अंदर कर सकता हूँ बिकॉज सीट की हाइट ऑलरेडी अच्छी है, एंड उसके रिगार्डिंग तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। सो भाई कंफर्टेबल हूँ, बट अगर पीछे तीन लोग बिठाने बोलोगे ना आप, वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे। बीच में एक छोटा बच्चा बिठा दो वो ठीक है, नहीं तो अगर तीन एडल्ट बैठ गए तो एक को आगे होके बैठना पड़ेगा, क्योंकि भाई शोल्डर रूम में उनको दिक्कत बहुत आने वाली है। तो भाई ये था पीछे की सीट का कंफर्ट जो मुझे बताना था। एसी भी बढ़िया है अपना, सारे कंट्रोल्स अपने को रीच में है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। एसी गजब पावरफुल है इस गाड़ी का, सही बता रहा हूँ। और इवन हैंडलिंग गाड़ी की जो है भाई, बहुत अच्छी हैंडलिंग है। आप काटना चाहो ना गाड़ी, प्यार से काट सकते हो, आपको इस गाड़ी में है ना कोई भी दिक्कत एज सच आने नहीं वाली। एंड ठीक है, एक चीज़ की कमी तो मुझे खलती है इस गाड़ी में, वो है सीट हाइट एडजस्ट हो जाती और थोड़ी ऊपर हो जाती ना वो बेटर हो जाता, जो आपका कम्प्लेस्ट और क्रिएटिव मॉडल में मिल रहा है वो चीज़। गाड़ी बहुत प्यारी है, अगर आप आज के टाइम में मुझसे पूछते हो कि टाटा पंच लेनी चाहिए कि नहीं, आप ले सकते हो डेफिनेटली। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीज़ है, मतलब हाँ आपको ऐसा लगेगा कि आपने सही जगह पैसा डाला है, समझ रहे हो आप। उसके अलावा देखो आफ्टर सेल सपोर्ट, सर्विस वर्विस कैसे होती है, वो सारी चीज़ें तो मैं आपको टाइम टू टाइम बताने वाला हूँ कि कैसा टाटा सपोर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ सर्विस। जो आज तक लोग बोलते आ रहे हैं कि इन लोग का सर्विस इतना अच्छा नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बाद की बातें हैं। जब अपनी फर्स्ट सर्विस आएगी, अपनी 1200 किलोमीटर पर अपन फर्स्ट सर्विस करा लेंगे ऐसा कुछ है, फिर उसके बाद एक अच्छा कहीं लॉन्ग ट्रिप मारने की मैं डेफिनेटली सोचने वाला हूँ, मुझे करना ही है, और मैं वो वीडियोस भी डेफिनेटली लाऊंगा। एंड गड्ढे वड्ढे में से गाड़ी जाती है समझो, सिटी में से ऐसे, तो थोड़ी आवाज़ है, खैर वो थोड़ी कैबिन में आती ही आवाज़ उस। एंड ऑल्सो इसकी ड्राइविंग भी स्मूथ है काफ़ी। अभी देखो मैं गाड़ी को ट्राई करता हूँ 100 की स्पीड टच करने के लिए, बिकॉज अब रोड खाली हो गई आगे आगे वाली। तो इंजन नॉइज आता है भाई, ये बात तो है, 3 सिलेंडर है, 4 सिलेंडर नहीं है। जहाँ अपनी नियोस में भगाता था, ठीक है मेरी जो नियोस है उसमें ये सब नहीं है भाई, और 4 सिलेंडर है, बट ये आवाज है थोड़ी भाई। स्टेबिलिटी है यार, बहुत ही कमाल की स्टेबिलिटी है गाड़ी में। ठीक है भाई,
ये था पूरा वीडियो। एंड और एक चीज दोस्तों, मेरी एक बात सुन लो, आपके जो भी सवाल है ना, नीचे इस वीडियो में लिखो पंच के रिगार्डिंग, जो भी आपके सवाल है। मेरी पुरानी वीडियो जिसमें मैंने पंच के बारे में बात की थी अपनी, वो देख लेना जाके, उसमें कितनी ईएमआई मैं भरता हूँ, कितना लोन लिया है मैंने, वो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हैं। और जो भी आपके सवाल हैं, अगला वीडियो इस गाड़ी पे Q&A होने वाला है, तो आप अपने सवाल लिखो, मैं डेफिनेटली उसका जवाब देने वाला हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। कहता है यार गाड़ी में काफ़ी मज़ा है, समझ रहे हो, एक अच्छी गाड़ी है, देखो इंस्टेंट है भाई, इंस्टेंट एकदम से इंस्टेंट पिकअप मुझे मिल जाता है यहाँ पे। 2200 RPM के बाद तो भाई गाड़ी एकदम उठ जाती है, मतलब जिस हिसाब से इंजन है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो टर्न पे अभी अपन, और मैं 110 पे हूँ, ठीक है। ये देखो अभी थोड़ा सा ऐसा आएगा ऊपर नीचे का रोड, ये गाड़ी एकदम मस्त। सो भाई मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय गाइस, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।